हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करेंगे आप हल्का से नीचे के लिए, सॉरी यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हल्का सा यहाँ आपको ऑप्शन नंबर आता है लॉक स्क्रीन एंड वाल पेपर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर आता है वाल पेपर, इस वाल पेपर पर क्लिक करेंगे। वाल पेपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके बहुत सारे वाल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी वाल पेपर आपको चाहिए तो इसमें से कोई भी वाल पेपर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं आपको। किसी का एग्जाम्पल के लिए देखना है तो आप इस प्रकार से आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए उसे आप यहाँ से, अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली हम इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से पूछता है डेस्कटॉप सेट एज वो थे क्रोप वॉलपेपर, यहाँ से हम इसे सेट कर देते हैं सेट एज दो पे स्क्रीन पे डॉट, तो हम इसे सेट टू बोथ पे कर देते हैं और अब आपका वॉलपेपर चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।